ऋतिक रोशन, जिनकी गिनती बॉलीवुड के सुपर स्टार्स में होती है, इनकी पिछली फिल्म ने लगभग 500 करोड़ रुपए का बिजनेस भी किया था। इसके बावजूद वो बड़े पर्दे पर कम नज़र आ रहे हैं और एड्स में ज़्यादा। अब उनका एक नया ऐड आया है माउंटेन ड्यू का, जिसकी वजह से उनकी ट्रोलिंग हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ऋतिक आपसे ये उम्मीद ना थी, कम से कम ये ऐड तो आपको उन लोगों के लिए छोड़ देने चाहिए जिनको पैसों की ज़रूरत है, जो स्ट्रगलिंग एक्टर हैं। आप इस तरह का ऐड करके दिखा रहे हो कि पैसा सबसे आगे है। जाहिर सी बात है, एक तो कोल्ड ड्रिंक के ऐड अधिकतर सेलिब्रिटीज़ नहीं करते पूरी दुनिया में, लेकिन इसके आगे जिस वजह से इसकी ट्रोलिंग हो रही है वो हो रही है एक स्टंट की वजह से। दरअसल में इसमें दिखाया गया कि माउंटेन ड्यू पीकर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे बुर्ज खलीफा के टॉप से नीचे आ सकता है, और माउंटेन ड्यू पी लो तो क्या नहीं हो सकता। जिसके बाद लोग कहने लगे कि इंडिया में अब लोगों को यही करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, एक बार देख लो उसे कि जी ये रिकॉर्ड है, पहले माउंटेन ड्यू पियो और फिर गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने चले जाओ। यहाँ तक कि उनके क्या फेसबुक के अलावा बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी यूज़र्स आकर यही बातें कहने लगे कि ऋतिक एक काम कीजिए, आप माउंटेन ड्यू पीकर सारे के सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डालिए, आप ये कर डालिए वो कर डालिए, मतलब ऐड के नाम पर आप कुछ भी दिखा दोगे क्या। जाहिर सी बात है, इस तरह के विज्ञापन कोई सेंस भी नहीं बनाते कि माउंटेन ड्यू पीजिए और कुछ भी कर लीजिए। वहीं एक यूज़र ने कहा कि जब डर लगता है तो माउंटेन ड्यू नहीं हनुमान जी को याद किया जाता है। जाहिर सी बात है, माउंटेन ड्यू के सभी ऐड ऐसे हैं, लेकिन ऋतिक रोशन से अब लोग कोल्ड ड्रिंक ऐड करने की उम्मीद नहीं रखते, जिस तरह से विराट कोहली नहीं करते। लेकिन ऋतिक रोशन का ये ऐड काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। कुछ लोगों को ट्रोलिंग पसंद आ रही है, कुछ लोगों को इसका स्टंट पसंद आ रहा है। हालांकि स्टंट ऋतिक रोशन ने नहीं किया और ये स्टंट रियल में हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा VFX है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।